हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 15 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको महत्वपूर्ण क्लासेस दी जा रही हैं, और जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो क्लासेस नोट्स से मिल रही हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नोट्स का काम कम्प्लीट नहीं हुआ। जी हाँ, नोट्स पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गई है। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होती है तो इसके तुरंत बाद आपको सिविक्स और ज्योग्राफी का भी नोट्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप लोग अगर फ्री नोट्स चाहते हैं तो आपको वीडियो में डेली कमेंट करना पड़ेगा। जस्ट एक महीने बाद आप सभी को पीडीएफ फ्री नोट्स मिल जाएगी, अर्थात एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने पहले आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगी, और बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल्स के साथ नोट्स है। इधर उधर की चीज़ें उसमें बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसानी से आप पढ़ करके और जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाएगा, सारी चीज़ें फ्री आप कास्ट आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने हर भाई बहन दोस्त तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जिनके पास पैसा नहीं है सीटेट की पढ़ाई के लिए, अर्थात उनको कोई चार्ज ना देना पड़े। इसलिए हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि ये काम आप लोग जरूर करिएगा, हर भाई बहन दोस्त मित्र तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्थाई बंदोबस्त, और जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अंग्रेज जब अपने अंदर में जब भूभाग को ले लिया तो उन्होंने सोचा कि हमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए कुछ तरीका चाहिए, और उनमें से सबसे पहला तरीका जो उन्होंने अपनाया वो था स्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ने 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लागू कब हो रहा है, 1793 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। किसको? अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने किससे जो है हाथ मिलाया था, तो राजाओं और तालुकदारों के, जो तालुकदार थे अर्थात जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे हाथ मिलाया था कि आपको राजस्व वसूल करना है और वसूल करके हमको ला करके देना है। आगे है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका नाम स्थाई क्यों है? क्योंकि उनको जैसे 10 रुपया देना है तो स्थाई कर दिया गया कि भैया आप हमको 10 रुपया वसूल करके दो। अब वो 12 वसूल लें, 15 वसूल लें, जितना ज़्यादा वसूलेंगे वो उनका हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था, अर्थात जितने साल के लिए स्थाई बंदोबस्त आया था वहाँ जो है टैक्स की बात फिक्स कर दी गई कि आप हमको इतना टैक्स वसूल करके दीजिए, उससे ज़्यादा अगर वसूल लें तो वो उनका है जो वसूल रहे हैं। आगे बात करते हैं, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, अर्थात इतना ज़्यादा प्रेशर, अर्थात इतना ज़्यादा टैक्स कंपनी लगा दी थी कि जमींदार जो है उसको भर ही नहीं पा रहे थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता, फेल हो जाता, उसकी जमींदारी को छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, अर्थात जो जमींदार टैक्स को अच्छे रूप में नहीं दे पा रहा था, सही समय पर नहीं दे पा रहा था, उससे अंग्रेज उसकी जमींदारी छीन लिया करते थे या नीलाम कर दिया करते थे, याद रखिएगा। बात करते हैं एक नई व्यवस्था की। एक नई व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं। आगे बात करते हैं, हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। 1822 में इसको उसने लागू किया। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीत रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत, मतलब जो एक एक खेत है उसके अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को महाल कहा जाता था। महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था।
इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था इसे कहा गया। क्या कहा गया? महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और इसमें कहा गया कि हम अब स्थायी बंदोबस्त की तरह कर को स्थायी नहीं करेंगे, जब जब हमें आवश्यकता लगेगी हम कर में वृद्धि करेंगे। आगे बात करते हैं, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछे महालवारी व्यवस्था को शुरू किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, और यहाँ जो बंदोबस्त होता था वो जो है जमींदार और राजा से ना होकर के महाल से होता था, याद रखिएगा। महाल क्या था? महाल गांव का एक समूह था, याद रखिएगा। बात करते हैं मुनरो व्यवस्था की। मुनरो की क्या व्यवस्था थी, आइए समझते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। ये कहाँ, ये मुनरो व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिली? दक्षिण भारत में देखने को मिली। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी नाम दिया गया, याद रखिएगा। उसे क्या दिया गया? रैयत। और रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। चलिए आगे बात करते हैं। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों अर्थात रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और उन्हीं से राजस्व हमको वसूलना चाहिए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपसे ये जो है कोर्ट में दे करके पूछ लिया जाए कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि किसानों की रक्षा पिता की भांति करनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये कथन मुनरो का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूरोप के लिए फसल। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है यहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, यहाँ इन चीज़ों को उगाने के लिए लोगों को उन्होंने क्या किया, मजबूर किया। भारतीय नील इंडियन इंडिगो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने अभी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ा और ये। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। उष्णकटिबंधीय का मतलब ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। बात करते हैं 18वीं सदी के आखिर दशक में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। आगे बात करते हैं 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देख रहे हैं कितनी तीव्र गति से भारतीय नील की डिमांड बढ़ी थी। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक जो हैं वो कर्ज देने के लिए
तैयार रहते थे। नील की खेती की कैसे जाती थी, आइए समझते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। यहाँ निज का मतलब होता है स्वयं से और रैयती का मतलब होता है किसान के माध्यम से। तो निज खेती के व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। फ्रांसीसी बागान। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया। इन बागान जो बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए, उन्होंने बागान जला दिए, अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप्प हो गई। बागान किसे कहते हैं? बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, बागान जो है, बागानों का जिक्र किया जाता था, इन सब का उत्पादन होता था। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। कल हम लोग अध्ययन करेंगे जनजातीय समूह। जनजातीय समूह हमारा एक नया टॉपिक है, इस पर चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज के सेशन में वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर भाई बहन दोस्त तक जरूर पहुँचाइएगा और बहुत ही जल्द आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो देखने को जरूर मिल जाएगी। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।